आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश, खबरों का बादशाह। भारतीय हिंदू सेवा दल के राष्ट्रीय संरक्षक और प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य देव मुरारी बापू की सुरक्षा प्रशासन ने हटा ली है, जिसके चलते मथुरा वृंदावन के तमाम संतों में रोष है। और आज संतों के साथ बैठक में देव मुरारी बापू जी ने निर्णय लिया है कि अगर प्रशासन अपने निर्णय वापस नहीं लेता है तो 5 मई से हम आमरण अनशन को बाध्य होंगे। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक श्री देव मुरारी बापू जी के ऊपर हुए हमले के बाद प्रशासन द्वारा उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी, जिसको अब हटा लिया गया है। सुरक्षा हटने से नाराज देव मुरारी बापू और तमाम संतों में रोष व्याप्त है, जिसके कारण आज एक बैठक की गई, जिसमें 3 अखाड़े के प्रतिनिधि के रूप में संत उपस्थित रहे। देव मुरारी बापू ने निरंजनी अखाड़ा के महंत कुणाल गिरी जी व उदासीन अखाड़ा के महामंडलेश्वर बालक दास त्यागी जी, आचार्य श्याम जी, महाराज श्याम भक्ति आश्रम के महंत के साथ बैठक की और संतों से विचार विमर्श करने के बाद 5 मई को आमरण अनशन करने की तारीख निश्चित की। क्योंकि आचार्य देव मुरारी बापू की सुरक्षा हटाई गई है, इसलिए संतों में काफी नाराजगी है। वर्तमान में संतों की जगह जगह निर्मम हत्या की जा रही है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जी को आचार्य देव मुरारी बापू के सुरक्षाकर्मी को नहीं हटाना चाहिए था। बापू जी ने कहा कि 14 फरवरी को 2 हमलावरों ने मेरे ऊपर फायरिंग की थी और जान से मारने की धमकी दी थी, उसकी विवेचना चल रही है और अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। ऐसे में आचार्य देव मुरारी बापू ने अपनी जान की आशंका बताते हुए जिला अधिकारी व SSP मथुरा से सुरक्षा की मांग की, पर दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा हटाने के बाद फोन उठाना बंद कर दिया। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के दबाव में दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मी को हटाया है। देव मुरारी बापू का आरोप है कि वृंदावन के कई लोग जो हमारे विरोधी हैं, उन्होंने जिला अधिकारी को फोन कर दबाव डाला है और कहा है कि देव मुरारी बापू खुद पर ही हमला करवाए हैं, इसलिए उनको सुरक्षा ना दी जाए। देव मुरारी बापू ने गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य अधोक्षानंद देवगिरी जी से संपर्क किया और नौझील में महामंडलेश्वर संत प्रकाश नंद जी से संपर्क किया। इसके साथ साथ वृंदावन के कई महामंडलेश्वरों से संपर्क किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सब आपके साथ हैं और आपको सुरक्षा वापस मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में संत की सरकार है, अगर संत ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मुख्यमंत्री को धिक्कारने वाली बात है। बैठक में महंत कुणाल गिरी, बालक दास त्यागी, आचार्य श्याम जी महाराज आदि लोग उपस्थित रहे। मैं आचार्य देव मुरारी बापू आज वृंदावन में संतों के साथ विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया हूँ कि 5 मई को मैं आमरण अनशन पर बैठने जा रहा हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने मेरी सुरक्षा हटा ली है और मेरी जान को खतरा है। 14 फरवरी को मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, मैं बाल बाल बचा और मेरे गाड़ी में बैठे हुए संत भी बाल बाल बचे, इसके बावजूद भी मेरी सुरक्षा हटा ली गई है। अभी मेरे ऊपर हमला करने वाले अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, विवेचना पूरी नहीं हुई है, मैं असुरक्षित हूँ। इस समय देश में जो माहौल है, संतों को जान से मार दिया जा रहा है। मैंने योगी आदित्यनाथ जी को रजिस्ट्री की और पूरी जानकारी दी, मथुरा SSP और जिला अधिकारी को भी मैंने लिखित रूप से सुरक्षा मांगी और कहा कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन SSP और जिला अधिकारी ने मेरी सुरक्षा हटाने के बाद मेरा फोन उठाना बंद कर दिया गया है। इसलिए मैं बहुत दुखित हूं और संतों से विचार लेने के बाद निर्णय लिया हूं कि जब तक मेरी सुरक्षा वापस नहीं की जाती है, मैं आमरण अनशन पर बैठा रहूंगा। इसके जिम्मेदार मथुरा जिला पुलिस प्रशासन व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। मैं दुखित भाव से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक संत की सरकार है और जब संत की सरकार होने के बाद वो संतों को सुरक्षित नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री को संवैधानिक पीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी मुझसे व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हैं, हमारा विचार न मिलना हमारा व्यक्तिगत द्वेषभाव हो सकता है, लेकिन जब किसी संत की सुरक्षा का मामला आए तो गंभीरता से योगी जी को समझना चाहिए था, पर मैंने 10 बार उनके यहाँ मिलने के लिए समय नोट कराया, आज तक कोई जवाब नहीं आया। मुझे अफसोस होता है कि ये वही योगी आदित्यनाथ हैं
जो कभी अपनी सुरक्षा के लिए संसद में रो रहे थे, लेकिन आज जब मेरी सुरक्षा की बात आई तो योगी आदित्यनाथ जी मौन धारण किए हैं। किसी भी अधिकारी को आज तक उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिया है कि देव मुरारी बापू के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है तो उनको सुरक्षा दी जाए। मैं असुरक्षित हूँ, ये बहुत मेरे लिए दुख की बात है। मैं देश की सारी जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि मेरे साथ कुछ होता है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है, तो योगी आदित्यनाथ खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे। जय श्री राम। आज यहाँ पर वृंदावन में हम संत समाज के प्रतिनिधि मंडल के रूप में संतों के बीच में बैठा करके और यह निर्णय लिए हैं कि वृंदावन में मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ 14 फरवरी को, मेरे लिए एक सुरक्षा कर्मी दिया गया था, लेकिन एक महीना 25 दिन के बाद वो सुरक्षा कर्मी हटा लिया गया। आज 20 दिन से बिना सुरक्षा कर्मी के मैं यहाँ वृंदावन में हूँ और जैसा अभी माहौल चल रहा है, पालघर में संतों की निर्मम हत्या की गई है और पंजाब के होशियारपुर में संत पर जानलेवा हमला किया, 2 दिन पहले बुलंदशहर में 2 संतों की निर्मम हत्या की गई है। संतों की हत्या करने का सिलसिला जारी है, मेरी जान को खतरा है। इसके लिए मैंने 10 अप्रैल को थाना वृंदावन में लिखित रूप से एक एप्लीकेशन दिया था कि मेरी जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा ना हटाई जाए, पर मेरी सुरक्षा हटा ली गई और मेरे लिए अब तक कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। मैंने जिला अधिकारी महोदय SSP मथुरा को लिखित रूप में एक तहरीर दी है जिसमें मैंने मांग की है कि मेरी सुरक्षा ना हटाई जाए, मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने वाले अपराधी अभी सुरक्षा के मद्देनजर मुझे खतरा है और वो अपराधी पकड़े नहीं गए, विवेचना पूरी नहीं हुई, लेकिन जिला अधिकारी और SSP महोदय के यहाँ से अब तक मेरे लिए कोई आश्वासन नहीं मिला, ना ही कोई सुरक्षा कर्मी दिया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि मेरा सुरक्षा कर्मी मुझे प्रदान किया जाए, मेरी जान को खतरा है, अगर मेरे ऊपर कोई जानलेवा हमला होता है तो इसके लिए जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मेरी मांग की पूर्ति नहीं हो रही और मेरे लिए सुरक्षा कर्मी प्रदान नहीं किया जा रहा है। आज मैंने वृंदावन सहित आसपास के तमाम संतों से संपर्क किया है और सबने कहा है कि हम आपके साथ हैं, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि आगामी 5 मई को मैं आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ और जब तक मुझे सुरक्षा कर्मी प्रदान नहीं किया जाएगा मैं आमरण अनशन से उठने वाला नहीं हूँ और इसके जो दोषी जिला पुलिस और मुख्यमंत्री खुद होंगे। जय श्री राम।